इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के नए मंत्रियों को बधाई दी है। पुडुचेरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्रियों को मोदी का मैसेज आया, मगर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में दूसरी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। 24 नए चेहरों को मंत्री पद देने की बात दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक उड़ रही है। कौन बनेगा मंत्री? हमने इस पर हवा हवाई नहीं, सॉलिड इंफॉर्मेशन वाली जानकारियां जुटाई हैं। मोदी की नई टीम में कितने मंत्री होंगे, उनका डिटेल बायोडाटा इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। 3 दिन बाद 30 जून शाम 5 बजे मोदी के सारे मंत्री इसी तरह बैठने वाले हैं। मीटिंग वर्चुअल होगी, डिस्कशन एक्चुअल होगा। आप कहेंगे कि दिल्ली में कैबिनेट की ऐसी बैठकें तो होती रहती हैं, इस कैबिनेट मीटिंग में अलग क्या होगा? मोदी की नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग की सबसे अलग बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है। जब मंत्रिपरिषद की अगली बैठक होगी तो उसका स्वरूप बदला हुआ हो सकता है। मोदी कैबिनेट में नए चेहरे आने वाले हैं। 1-2 नहीं, करीब 2 दर्जन नए मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा चल रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर पटना और कोलकाता तक, भोपाल से लेकर गुवाहाटी तक, सियासी गलियारों में अभी सबसे गर्मा गर्म टॉपिक यही है, कौन बनेगा मंत्री। सियासी हलकों में चर्चा तो कई नामों की है, लेकिन किसके नाम पर लगेगी मोदी की मुहर? नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि मोदी के काम करने का तरीका सबसे अलग है। आम तौर पर जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चलती है तब दावेदार नेता अपना नाम उछाले जाने को लेकर लालायित रहते हैं, लेकिन फिलहाल दावेदारों की कोशिश है कि उनका नाम किसी भी सूरत में चर्चा में ना आए, क्योंकि पिछले 7 साल में जिनका नाम उछला समझिए कि उनका पत्ता कटा। फिर भी कुछ नाम हैं जिनको फाइनल माना जा रहा है। दिल्ली दरबार के नए वजीर कौन कौन हो सकते हैं, उनकी खासियत क्या है, ताकत क्या है और वो मोदी को क्यों पसंद है, हम विस्तार से बताने वाले हैं। मई 2019 में जब मोदी 2 सरकार का गठन हुआ तब से एक बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इस बीच शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर जाने और एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान के निधन के कारण कैबिनेट में जगह खाली है। जुलाई के फर्स्ट वीक में मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। इसकी 2 मुख्य वजहें हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव और एनडीए कुनबे का विस्तार। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी अपनी टीम को रीशेप कर लेना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ाने के बाद 7 लोक कल्याण मार्ग और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक और मंथन के कई राउंड हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों की 2 साल की रिपोर्ट भी ले ली है। पॉलिटिकल कमेंटेटर भी मानते हैं कि कैबिनेट में पत्ते फेंटने का सही वक्त आ चुका है। अब एक एक करके देखते हैं दिल्ली के पावर कॉरिडोर में मंत्री पद के लिए किस किस के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मोदी के नए वजीर बनने के संभावित दावेदारों को गौर से देखिए। सर्वानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, हिना गावित, प्रीतम मुंडे, मनोज तिवारी, अश्विनी वैष्णव, लॉकेट चटर्जी, शांतनु ठाकुर, दिलीप घोष, जफर इस्लाम, अनुप्रिया पटेल,
राहुल कासवान, आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह, संतोष कुशवाहा, सुनीता दोगल और जामयांग नामग्याल। ये नरेंद्र मोदी के आजमाए हुए चेहरे हैं। इन्हें भविष्य की सियासी बिसात के लिए अहम चेहरा माना जा रहा है। एक बात 100% क्लियर है, राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेने का मौका सिर्फ उनको मिलेगा जो नरेंद्र मोदी के पैमाने पर 16% खड़े उतरेंगे। प्राइम मिनिस्टर का पैमाना क्या है, इसे खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा, शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारियां है ही है, संविधान ने हमें जिम्मेवारियां दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है। कैबिनेट में किसे रखना है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं ये किसी से शेयर नहीं करते। फिर भी कुछ नाम है, कुछ चेहरे हैं जिनका मोदी कैबिनेट में आना करीब करीब पक्का है। इनमें पहला नाम है सर्बानंद सोनोवाल, एक ऐसा चेहरा जिसके मंत्री बनने पर किसी को भी संदेह नहीं। सर्बानंद सोनोवाल असम में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री रहे। 5 साल तक सोनोवाल ने असम को संभाला। सोनोवाल ने दोबारा चुनाव जीतकर खुद को साबित किया। हाईकमान ने जब सीएम के लिए हेमंत बिस्वा सरमा को चुना तो सोनोवाल ने कोई सवाल किए बगैर मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दी। सोनोवाल के दावे को समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2 मई को असम विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के 9 दिन बाद 11 मई को गुवाहाटी में जब हेमंत बिस्वा सरमा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया तो सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने ही उनको बधाई दी। राजनीति में ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है जब एक चीफ मिनिस्टर भावी चीफ मिनिस्टर को इस तरह गद्दी सौंपता है। 11 मई को यह तय हो गया था कि हेमंत बिस्वा सरमा असम संभालेंगे और सोनोवाल दिल्ली। अगर कोरोना ना आया होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में ही मोदी कैबिनेट के मंत्री बन चुके होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेंटर में लाकर नरेंद्र मोदी ये क्लियर मैसेज देंगे कि एमपी शिवराज सिंह चौहान ही संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल वो राज्यसभा से बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा में वो गुना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मनमोहन सिंह सरकार में ज्योतिरादित्य ऊर्जा राज्य मंत्री थे। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल सबसे बड़ा था। 1.25 साल से सिंधिया कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। अभी नाम मिलने का वक्त करीब आ रहा है। नवंबर 2020 की यह तस्वीर याद है आपको। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ सबसे अगली पंक्ति में चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको पटना की जगह दिल्ली बुलाने का फैसला किया। सरकार बनी तो सुशील मोदी की जगह 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए और सुशील मोदी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। सुशील मोदी के बारे में नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं यह उसी दिन सामने आ गया था जब बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने सुशील मोदी के बारे में नरेंद्र मोदी का प्लान बताया था। सुशील जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है और एक एसेट है, क्योंकि बिहार में भी एक हमने सभी ने देखा कि अर्थमंत्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी ने जब फैसला किया है कि उनको कोई और जिम्मेदारी मिलेगी तो मेरा विश्वास है उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको कोई और जिम्मेदारी देगी।
सुशील मोदी 11 साल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। अर्थव्यवस्था की उनकी समझ गहरी है। फिलहाल सुशील मोदी राज्यसभा सांसद हैं। हाईकमान के निर्देश पर सुशील मोदी ने बिहार का मुंह छोड़ा है। एनडीए का मेन गठबंधन पार्टनर होने के बावजूद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेडीयू का कोई मंत्री नहीं है। 2019 में बीजेपी ने जेडीयू को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। बिहार कोटे से रामविलास पासवान की सीट खाली होने के बाद कैबिनेट विस्तार में जेडीयू के दो नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के पास जेडीयू के 3 सांसदों के नाम है, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा। तीनों ही नेता नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। आरसीपी सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। उन पर नीतीश का भरोसा इतना है कि बिहार के सीएम ने पूरी पार्टी ही आरसीपी सिंह के हाथों में सौंप रखी है। ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू के सांसद हैं और संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद हैं। नरेंद्र मोदी जेडीयू के 3 में से 2 नेताओं को ही मंत्री बनाएंगे। वे 2 नाम कौन होंगे, इसका फाइनल डिसीजन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को करना है। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां से नारायण राणे के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा है। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राणे ने शिवसेना से राजनीति की शुरुआत की, शिवसेना से कांग्रेस में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई। फिलहाल राणे बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम इंडिया में महाराष्ट्र से 2 और नामों की चर्चा है। पावर कॉरिडोर में 2 नई एंट्री हुई है, नाम नोट कर लीजिए। ये हैं प्रीतम मुंडे और हिना गर्ग। बीड लोकसभा की सांसद प्रीतम मुंडे बीजेपी के सीनियर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। पापा की पॉलिटिकल लीगेसी को संभालने में प्रीतम मुंडे अपनी बहन पंकजा मुंडे से आगे चल रही हैं। हिना गावित नंदुरबार से सेकंड टाइम एमपी हैं। 2014 में हिना गावित ने कांग्रेस के 9 बार के एमपी मानिक राव गावित को हराकर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म किया था। आदिवासी समुदाय से आने वाली हिना गावित पेशे से डॉक्टर हैं, जो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। पश्चिम बंगाल से मोदी के सामने 3 नाम आए हैं। नंबर 1 लॉकेट चैटर्जी, नंबर 2 शांतनु ठाकुर और नंबर 3 दिलीप घोष। बंगाल बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप घोष अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो लॉकेट चैटर्जी को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। अब शांतनु ठाकुर का बायोडाटा देखते हैं। शांतनु ठाकुर मतुआ समाज के नेता हैं। वो हरिचंद ठाकुर के पड़पोते हैं, जिनको मतुआ भगवान मानते हैं। शांतनु ठाकुर बनगांव सीट से सांसद हैं। मोदी अपनी नई टीम इंडिया ऐसे वक्त पर बना रहे हैं जब मोदी विरोधी फेडरल फ्रंट के नाम से नया मोर्चा बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। मोदी विरोधियों का अल्टीमेट टारगेट 2024 है और फर्स्ट टारगेट 2022। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, इसलिए वहां के कुछ नेता भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। मनोज तिवारी यूं तो दिल्ली के सांसद हैं, लेकिन उनके भोजपुरी सिनेमा के स्टार होने का फायदा बीजेपी को यूपी में मिलता है। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात करने वाली अनुप्रिया पटेल मोदी की पहली सरकार में मंत्री थी। मोदी की दूसरी सरकार में अब तक उनको मौका नहीं मिला। चुनाव से पहले अपना दल की नेता को दोबारा मौका मिल सकता है। वेस्टर्न यूपी के जातीय समीकरण को साधने के लिए किसी जाट चेहरे को भी मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्री बनने की चर्चा में कुछ और नाम, उनके बारे में भी संक्षेप में जान लीजिए। जामयांग नामग्याल लद्दाख से बीजेपी के युवा सांसद हैं, जो अपने राष्ट्रवादी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। राहुल कासवान राजस्थान के चुरू से सांसद हैं, वो सेकंड टाइम एमपी हैं। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं। सुनीता दुगल हरियाणा से इकलौती महिला सांसद हैं। सिरसा की एमपी 22 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर रही और वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आई हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी में उभरते हुए मुस्लिम फेस हैं। वो हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं।
पावर पॉलिटिक्स, अलायंस पॉलिटिक्स, कास्ट इक्वेशन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, नरेंद्र मोदी को एक साथ कई फ्रंट पर बैलेंस बनाकर चलना है। मोदी की नई टीम ऐसी होगी जो चुनाव में जीत की गारंटी भी देगी और इंडिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पर भी ले जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।